हेलो दोस्तों, अभी की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार में नियोजित शिक्षकों से संबंधित है। बिहार में जो भी नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है और वह बहुत जल्द अब दूसरे विद्यालय में शिफ्ट हो जाएंगे। बिहार विशेष शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 माह फरवरी मार्च 2024 में आयोजित किया गया था। सक्षमता परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है। स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है, नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात विशेष शिक्षक कहे जाएंगे। सक्षमता परीक्षा का परिणाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। सभी शिक्षक अभ्यर्थी अपने परिणाम के अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं कि उन्हें नियुक्ति हेतु कौन जिला आवंटित किया गया है। सभी संबंधित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है। सभी अनुशंसित शिक्षक या पुस्तकालाध्यक्ष की वेरिफिकेशन उन्हें नियुक्ति हेतु आवंटित जिला के DRCC में की जाएगी। वेरिफिकेशन के लिए तिथि एवं टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। वेरिफिकेशन प्रवाहन 9 बजे से प्रारंभ की जाएगी तथा निम्नांकित 5 टाइम स्टॉल स्लॉट में संपन्न होगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज देखने को मिल रही है कि बहुत दिनों का इंतजार खत्म हो गया है। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया जो 1 अगस्त से शुरू होने वाली है उसकी लेटर फाइनल निकल गई है। जो कुछ दिन पहले भी खबर वायरल हुई थी कि 1 अगस्त से नियोजित शिक्षकों की होगी काउंसलिंग। देखिए, पहला स्लॉट जो है वह 9 बजे से 10:30 बजे तक है। दूसरा स्लॉट जो है वह 10:30 से 12 बजे तक है। तीसरा स्लॉट जो है 12 बजे से 1:30 बजे तक है। चौथा स्लॉट 1:30 बजे से 3 बजे तक है और पांचवा स्लॉट 3 बजे से 4:30 बजे तक है। वेरिफिकेशन हेतु शिक्षकों की कोटि के अनुसार तिथि का निर्धारण निम्नोक्त किया गया है। शिक्षक की कोटि उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष है तो वह 1 अगस्त को काउंसलिंग कराएंगे। माध्यमिक शिक्षक है तो वह 2 अगस्त को काउंसलिंग कराएंगे। स्नातक कोटि के सभी विषय के शिक्षक अगर है तो 3 अगस्त को काउंसलिंग कराएंगे। मूल कोटि यानी 1 से 5 के जो शिक्षक है वह 5 अगस्त को काउंसलिंग कराएंगे, जबकि मूल कोटि के जो सामान्य शिक्षक है वह 6 अगस्त को काउंसलिंग कराएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, किसी भी अभ्यर्थी को किसी स्लॉट या अतिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है। इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा तथा यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को दी जाएगी। वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है कि कैसे कैसे क्या होगा। वर्गवार, विषयवार, स्लॉटवार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों या पुस्तकालय अध्यक्ष की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी एवं आपाधापी न करें। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं। उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी। संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही शिक्षक अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ आएंगे, जिस पर SMS एवं ई शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार यही होगा। वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी अधिकतम 3 दिनों के लिए ऑफिशियली ड्यूटी पर माने जाएंगे। प्रत्येक विद्यालय से कार्यरत बल के सापेक्ष 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी वेरिफिकेशन में आएंगे। 3 दिन पश्चात दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी वेरिफिकेशन हेतु आएंगे ताकि विद्यालय की गतिविधि प्रभावित न हो। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मुख्यालय स्तर पर निर्धारित किया जा रहा है। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है आप वो भी देख सकते हैं। निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरते समय जिन अभिलेखों को जिस क्रम में अपलोड किया गया है उसी क्रम में वेरिफिकेशन समय प्रस्तुत करेंगे। मूल जाति प्रमाण पत्र, मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र, मूल आधार कार्ड, नियोजन पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटर प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, DLED या BED प्रमाण पत्र, दक्षता या BTET या STET या CTET प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड के साथ उपयुक्त सभी डॉक्यूमेंट का 100 अभिप्रमाणीय छाया प्रति साथ लाएंगे। उक्त प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को निम्नांकित अभिलेख भी लाना होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जैसा कि समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में शामिल होने हेतु समिति में जमा किया गया था। अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसिल चेक या पासबुक की प्रति जरूर लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बातों को विस्तार से लिखा गया है, जिससे आप वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और वेरिफिकेशन
जांच क्रम में क्या क्या होगा वो भी देख सकते हैं। वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान की पहचान सही पाया गया। वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान की पहचान संदेहास्पद पाया गया। वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान की पहचान प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया। वेरिफिकेशन के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 के अनुसार पाए गए प्रमाण पत्रों को तिथिवार स्लॉटवार संधारित कर सीलबंद बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेरिफिकेशन दल उपलब्ध कराएगा। उपरोक्त क्रमांक 4 में वर्णित परिस्थिति में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को अंतिम मौका देते हुए तिथि एवं टाइम स्लॉट अलग से निर्धारित किया जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेहास्पद या फर्जी पाया जाता है तो इसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई हेतु अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन के प्रत्येक चरण का वीडियोग्राफी कराया जाएगा। उपयुक्त संबंध में विशेष जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट को देखते रहे। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं बहुत बड़ी गुड न्यूज आ रही है जो बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगा, क्योंकि नियोजित शिक्षक विशेष शिक्षक मौली के तहत ही अब राज्यकर्मी बनने वाले हैं और वे अब जैसे ही दूसरे विद्यालय में योगदान करेंगे उस दिन से भी राज्यकर्मी कहलाएंगे और बीपीएससी शिक्षकों की तरह भी उनको भी एनपीएस का लाभ मिलेगा और अन्य सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक्स दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल से पल पल के अपडेट के लिए जुड़े रहे।